तो आपको पता है कि मैं दिल्ली में आ चुका हूँ, और यहाँ पर मैं जैसे ही आया तो मैंने अफसार भाई से बात किया, जिनके चैनल का नाम है ट्रैवल विदाउट मनी, और उनसे मेरी बात हुई फेसबुक के थ्रू, और फिर मुझे पता चला कि वो करंट में यहीं पर हैं, और फिर मैं डिसाइड किया कि भाई मैं चलूं और अफसार भाई से मिल लूं, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस उनसे मैं ले सकता हूं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल कर चुके हैं कंपेयर टू मी। क्योंकि आपको पता है कि मैं 25 जुलाई को अभी स्टार्ट किया हूं, तो मुझे 10-15 दिन हुए होंगे, और अफसार भाई ये देखो हैं, और इनसे मिलके मुझे काफ़ी खुशी हुई भाई। और यहाँ पर हम लोग पार्क में, पार्क का नाम क्या है, ये पश्चिम बिहार में ये पार्क है, और यहाँ पर मैं मिला अफसार भाई से, इनके चैनल का नाम है ट्रैवल विदाउट मनी। और ये आप अपने चैनल पर आपको हर एक चीज़ बताते हैं कि भाई बिना पैसों के भी हम ट्रैवल कर सकते हैं, और ये सही है क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस वो चीज़ किया जो ये बताते हैं। आपका कितना खर्चा हुआ आप सूरत? अभी से चले हो? सूरत से मैं चला, 10 दिन हो गए हैं, दस काफी देर भाई से बात हुई मेरे को, पैसे अभी पूछते हैं कितना रुपया लगा। मेरे टोटल 1400 रुपये खर्च हुए, जिसमें से 600-700 मैं फोर्ट वगैरह देखने को दे दिया यार, मुझे नहीं लगता कि उसको देना चाहिए था मुझे फोर्ट वगैरह में, ऐसे बेसिकली माने तो रियल एडवेंचर है वो उसमें नहीं है, फोर्ट वगैरह देखने में नहीं आता। वैसे अगर मैं बोलूँ तो मेरा जो है 600-700 रुपये टोटल खर्च हुआ होगा, पर डे के हिसाब से आप मान लो वही 60-70 रुपए के आसपास। वो भी तब है जब ये पहली बार कर रहे हैं, पहली बार, और मैंने, और ये मेरा जो ट्रिप है लेह लद्दाख तक है, एक्चुअली मैं पूरा इंडिया का ट्रिप कर रहा हूँ, आपको पता होगा, तो इंडिया का भी मैं जैसे यहाँ से जाऊँगा चंडीगढ़ होते हुए, तो पहले हिमाचल प्रदेश, उसके बाद जम्मू कश्मीर, एंड देन अपना ये आएगा पंजाब, पंजाब के बाद उत्तराखंड, फिर उसके बाद मतलब पूरा इंडिया को ही एक्सप्लोर करेंगे, निकले हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो भाई इनसे मिला, अभी मुझे बहुत खुशी हुई मिलके भाई अफसार भाई से, और इनके चैनल पर मैं लास्ट 2 मंथ से वीडियो देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बार सर्च किया था कि ट्रैवल विदाउट मनी, तो आपको पता है एक वीडियो आती जो बहुत मिलियन में चली हुई है, जो वो है ना एक बंदा चला टिकटॉक वाला, हाँ टिकटॉक वाला, उसके एंड आफ्टर दैट मैं नीचे देखा तो इनका भी वीडियो था, तब से मैं इनकी वीडियो को देख रहा हूँ। तो भाई मैं सोचा था कि इनसे मिलूंगा एक बार, लेकिन मैं यूट्यूब पर देखता था वीडियो, तो मुझे पता नहीं चलता था कि आपकी करंट लोकेशन कहाँ है, और मैं सूरत से निकलूंगा तब तो आपसे मिलूंगा, और मैं निकल नहीं पा रहा था, बहुत सारे फैक्टर थे। सूरत से चले आपकी लगभग 10 नाइट हो गई है, तो ये आपने सारी रातें कहाँ पे बिताई? ज्यादातर मैं ज्यादातर अपने होस्ट के यहाँ रुका हूँ, मतलब कि लोकल लोगों के साथ ट्रेवल करना, जैसे लिफ्ट लेके हम लोकल लोगों के साथ रहते हैं ना, वैसे ही लिफ्ट लेके लोकल लोगों के साथ, और उनके घर पे ही खाना पीना, उनके घर पे ही सब हो जाता है, मतलब जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा अच्छी दुनिया है, बस हम वही हम लोग गलत थोड़ा सोच अच्छा लेते हैं भाई, मीडिया के चक्कर में थोड़ा पड़ जाते हैं, यही सब नहीं करना चाहिए। और कैंपिंग लगाने की एक भी बार जरूरत? अभी तक तो मुझे कैंपिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी किसी दिन, नहीं मतलब एक दिन डिसाइड किया था मैंने, आपको बताया डिसाइड किया था कि लगाना पड़ेगा लगता है, लेकिन उस दिन भी नहीं लगाना पड़ा, सब सॉर्ट आउट हो गया। ऐसा भी मेरे साथ, मैंने तो कई बार खोल लिया टेंट, लगा लिया, आराम करने लग गया, फिर बाद में कोई लोकल आया या कोई वो आया, फिर बोलते हैं कि चलो आप यहाँ पे क्या करोगे, हमारे घर चलो। बहुत सारी हर तो अभी पूछते बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही बात है भाई, ये दुनिया एक्चुअली में बहुत अच्छी है, जैसा आप सोचते हो घर पे बैठ के, जो नहीं निकलते उनको कभी भी नहीं पता चलता, और मैं साथ घर से नहीं निकलता तो मुझे भी नहीं पता चलता कि भाई बाहर कैसे क्या सीन है, और हम लोकल लोगों के साथ रुक सकते हैं कि नहीं, और फाइनली मैं फिर अफसार भाई से मिल पाया, और शायद नहीं मिल पाता क्योंकि अभी आपको पता है कि बाहर का ट्रिप करने वाले, इंडिया से बाहर जाने वाले, तो मैंने डिसाइड किया भाई उससे पहले अगर मिल ले इनसे तो बहुत ही बढ़िया होगा मेरे लिए भी, ताकि एक्सपीरियंस वगैरह हम लोग एक दूसरे से शेयर कर पाएंगे, और मैं नहीं शेयर कर सकता, सर शेयर कर सकते हैं क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। नहीं नहीं, तो इनको भी इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत अच्छा किया है। हाँ, लेकिन आपकी वीडियो देखकर काफी कुछ सीखा है ये भी है, मैं लास्ट 2 मंथ से देख रहा हूँ आपकी वीडियो, मैं जो करता हूँ, और मैं इनको भी बोलूंगा, इनकी आगे आने वाली वीडियो में आप देखोगे कि ये आगे जो है ना बिल्कुल भी जीरो पैसे खर्च करके भी ये पूरी ट्रिप करेंगे, और मैं जीरो में करता हूँ, बल्कि मैं तो माइनस में चला जाता, लोग मेरे को उल्टा दे देते हैं। अभी इसके लिए मैं इनसे मिला, अभी इनसे कुछ एडवाइस लिया जाएगा कि भाई और भी, मतलब कि जैसे कि अभी मैंने 10 डेज में 700 या 800 के आसपास मेरा खर्च हुआ होगा अगर फोर्ट का आप निकाल दो, तो इनसे अभी कुछ आपसे एडवाइस हम लेंगे कि आप मतलब कैसे ट्रेवल करते हो, और हम और भी मिनिमम बजट में कैसे जा सकते हैं, तो सब कुछ इनसे पूछेंगे, फिर आपको हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं और बताऊं कि सर ने क्या क्या बताया। इनका जो ये जो बोल रहे हैं ना 700-800, ये इनका एक्चुअल खर्चा है, क्योंकि फोर्ट पे आप जाना है या नहीं जाना है वो आपकी मर्जी है, जो एक्चुअल जो ट्रेवल करने का जो खर्चा है इनका मेरे ख्याल से 500-600-700 बस इतना है, 10 डेज का ज्यादा नहीं है जितना हम सोचते हैं, उससे कम है। अगर आप ट्रेवल करना चाहते हो भाई की तरह मेरी तरह, तो आप आसानी से कर सकते हो, ये
भाई खुद मिसाल है, देखो पहली बार करके भाई आपसे आपके जितना नहीं अभी आप लॉन्ग टाइम से कर रहे हो, तो 6 साल हो गया पर इन्होंने जो एक बार में करा वो भी अभी जस्ट मैं स्टार्ट किया हूँ, उसके उससे साबित होता है कि अब आप पहले ही करना चाहो तो इतना आसान हो गया, पहले भी हुआ करता था इतना आसान, पहले बहुत लोग फेमिलियर नहीं थे कि किसी को अनजान को होस्ट करें या वो करें, पहले मैं अपने आप कैंप लगा के ही घूमा करता था, मैं तो हर जगह कैंप किया करता था, अब मेरे को कैंप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बात हो जाती है लोकल लोगों के साथ, लोकल लोगों के साथ रहना मजा और ज्यादा आता है। तो भाई ये मेरे लिए भी काफी अच्छी बात है और इनसे मिलना ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी पता नहीं है कब तक निकल जाएंगे, क्योंकि पता है जो लोग नोमड होते हैं वो उनका एक स्थान कोई फिक्स नहीं होता कि भाई यहाँ पर ही वो लोग स्थायी रहेंगे, वो लोग उनको निकलना है ये किसी और जगह पर कुछ टाइम के बाद, अंदर से वो हो जाता है भाई काम सारा YouTube का खत्म हो गया, प्रमोट कर दिया, सारी वीडियो अपलोड कर दिया, क्या करें घर बैठे बैठे, और YouTube वीडियो बनाए या ना बनाए वो तो अलग बात है कि नहीं, अपना एडवेंचर खत्म हो जाता है, घूमना एक जगह हम बैठ के क्या कर रहे हैं, अभी निकलना चाहिए हमें, तो ये सारी चीजें जो लोग भी घुमक्कड़ हैं, जो लोग घूमते हैं ट्रैवल करते हैं उनके माइंड में आती रहती है कि भाई अभी मैं इतने टाइम से यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो अभी आप निकलने वाले हो कहाँ के लिए थोड़ा बता दो। मेरा एक गंगोत्री का प्लान है, तो हो सकता है गौमुख गंगोत्री वो वाला प्लान है, और मन नहीं किया, मन किया तो शायद ऋषिकेश से ही, ऐसा कुछ वो नहीं है कि मेरे को गंगोत्री जाना, लैंडस्लाइड वगैरह चल ये बोलूंगा भाई थोड़ा सा पहाड़ वहाड़ में करो तो थोड़ा सा देख के, आजकल बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड वगैरह हो रहा है, तो अभी अभी भाई जाने वाले हैं गंगोत्री साइड, अभी इनकी जो वीडियो चल रही है लेह लद्दाख की चल रही है ना, तो वहाँ का भी सीरीज चल रहा है, तो उसके बाद जो आपको सीरीज देखने को मिलेगा गंगोत्री को देखने का मिल सकता है एंड ऋषिकेश या फिर ऋषिकेश का देखने को मिल सकता है, इन दोनों चीज में आपको पर्टिकुलर एक चीज का देखने को मिलेगा। अभी भाई के साथ बहुत बात करनी है और इनका एक्सपीरियंस लेना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या बातें हुई और क्या एक्सपीरियंस मैंने इनसे लिया सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है या तो कोई चीज़ आप एक्सपीरियंस करके सीखते हो या फिर किसी और के एक्सपीरियंस से सीखते हो, तो मैं सोचता हूँ कि जो बंदा एक्सपीरियंस कर चुका है, जो लोग कर चुके हैं उनसे सीखना ज़्यादा बेटर होता है कि नहीं, क्योंकि वो गलती हम नहीं करेंगे दोबारा जो कर चुके हैं लोग, तो इनसे एक्सपीरियंस लिया जाएगा और आपको मैं सारा डिटेल बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू और आपको सब कुछ अभी पता चलेगा इस चैनल पर आपको, तो अभी देखते हैं क्या होता है, अभी हम लोग बैठेंगे यहाँ पर थोड़ी देर, उसके बाद और बातें करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। ट्रैवल विदाउट मनी सर के चैनल का नाम है, तो मैं इनके चैनल का भी नाम है, कंसेप्ट का यही है कि आप बिना पैसों के मीन्स एकदम मिनिमम बजट में आप ट्रैवल कर सकते हो, बहुत ही कम बजट में, और थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो वो भी बजट आपका नहीं लगेगा, है ना, जीरो बजट में आप लेके आ जाओगे मतलब लोग आपकी हेल्प करने लगते हैं, मदद करने लगते हैं, तो आपको कोई इश्यू फील नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। तो अभी जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सर से क्या क्या सीखने को मिला, बहुत कुछ मिलने वाला है, तो यहीं पर इस वीडियो को हम स्टॉप करते हैं कि नहीं सर, बिल्कुल, बाय 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 बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब, हाँ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।